आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अंतर्मन के ज्ञान के चक्षु प्रकाशित हो जाएं, उन अंतर्मन के चक्षुओं के सामने का अंधियारा छट जाए, ये भौतिकता का जाला छट कर सब साफ हो जाए, फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर समस्याएं ही क्या रह जाएंगी, बाधाएं ही क्या रह जाएंगी, उलझने ही क्या रह जाएंगी? ये समस्याएं, ये बाधाएं, ये उलझने, ये तकलीफें, ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानियां, ये व्याकुलता, बेचैनी सब नष्ट और समाप्त हो जाएगी। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तब तो सीधे और सीधे उन विधाता से साक्षात्कार हो सकता है, फिर तो उन ईश्वर से हमारा सीधे सीधे साक्षात्कार हो सकता है, उनसे सीधा सीधा परिचय हो सकता है, उन परमात्मा से सीधे सीधे जुड़ाव हो सकता है। और यदि यह जुड़ाव हो जाता है तब फिर क्या, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। जो सर्वस्व है अर्थात जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह सर्वस्व प्राप्त हो जाए फिर और किस चीज़ की कल्पना करें, फिर और क्या पाने की चाह रहेगी, फिर और क्या प्राप्त करने की ललक और इच्छा बचेगी? सर्वस्व पाकर फिर तो और कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं रहती।